ये कहानी हम सभी की है। समाज की बंदिशों का साया इतना गहरा हो चुका है कि पता ही नहीं चला ये कब हमसे आगे निकल गया, और इस सफ़र में समाज ने हमारे लिए बस निदामत ही छोड़ा है। निदामत यानी अफसोस, मलाल, जैसे हमारा डर ही एक आखिरी जरिया हो, रास्ता भी हो और मंजिल भी, जैसे मुझे यहाँ से जाना भी हो और नहीं भी। ये कहानी कुछ नहीं मगर ज़िंदगी की है, ये कहानी हम सभी की है। शाम है और दिल बहुत परेशान। समाज पर आज बहस हो रही थी। समाज इंसान के वहम और बंदिशों का हासिल है, और ये बंदिशें समाज के इंसान और इंसानियत पर जुर्म करती ही रही है। हम लोग हारे हुए लोग हैं, और होश में आने के लिए हारना ज़रूरी भी था। ये शायद बहुत अजीब सी बात हो, कोई नशे में नहीं आना चाहता बल्कि समाज के होश को खोना चाहता है। वो शर्तें जो बिना हमारी शर्तों पर रखी गई, उन शर्तों को तोड़ना चाहता है। आज इंसान सोचना चाहता है। पहले समाज ने मुझे तस्वीर के ख्वाब दिखाए, फिर मेरे खून से उस तस्वीर में रंग भरे, मजबूर किया हमें ये सब खरीदने पर, मेरी जेब से जिंदगी के दिन गए। ऐ ख्वाब अलविदा अलविदा, ऐ ख्वाब अलविदा अलविदा, मैं तुमको जी ना सका, अलविदा अलविदा। हेलो। और आकाश भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बस। मैं सुना तुमने शहर छोड़ दिया। हाँ यार, शहर भी और लिखना भी। वैसे तुम्हारे लिए एक आखिरी प्रोजेक्ट है। नहीं यार, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है दोबारा ये सब लिखना। नहीं, मेरी बात सुनो तुम, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरी तरफ से ना है, फिर भी ठीक है, एटलीस्ट एक बार देख तो लो। ठीक है, ओके, मैं तुमको व्हाट्सएप करता हूँ। Bye.
बंद है कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ, रोशनी देख के घबरा रहा हूँ मैं। आज इतनी हवा है हिजर में यहाँ कि बस सांस ले पा रहा हूँ मैं। मेरी बहस दिल के एक घर से थी तो आग पूरी बस्ती में लगा रहा हूँ मैं। तुम्हें आवाज़ भी नहीं आती क्या, दिन और शाम चिल्ला रहा हूँ मैं। तुम्हारे जाने के बाद कहाँ कहाँ ना गिरा मैं, संभाला मुझको सितारों ने जब जान ना रहा। दिले शहर की नगरी से तुम गुजरी थी एक रोज़, फिर उसके बाद मैं कभी अपने दिल में ना रहा। लोग कुछ भी कहते हो किस्मत के बारे में, मगर एक शख्स मेरे लिए था पर मेरे साथ ना रहा। जिंदगी के शौक तमाम असर हुए यहाँ, बस एक काम था जो मुझे याद ना रहा। क्या हुआ है मुझे, क्या हुआ है कुछ नहीं, लो देख लो ये चेहरा कोई गिला ना रहा। ये वो शय है जिसकी माँ डर रही है हराने से, हाल मेरी तबीयत का फिर पूछा गया बहाने से। नितामत है ये खत जिनको आज हमने हवा किया, राख उड़ रही धुआं धुआं खुशी मिल रही जलाने से। ऐसे मंजर गुजरे कि हम सबसे हो गए वाकिफ, ऐसे मंजर गुजरे कि हम सबसे हो गए वाकिफ। तो हैरानी भी अब कहाँ नाम पूछने और बताने में, हम जो थे जाना हम आसमां के थे। हमको इस जमीन पर क्यों रखा जमाने से, हमको इस जमीन पर क्यों रखा जमाने से। हाँ मैं आ गया हूँ शहर में, मिलते हैं। और आकाश भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? बस चल रहा है काम। और सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा, और शहर चेंज करके कैसा लग रहा है? यार बढ़िया है, नया शहर, नए लोग, नई बातें। और काम? काम यार बहुत अजीब चल रहा है, हो जाएगा। ओके, कितना दिन? 3 दिन। ओके, वी कैन वर्क दैट। ऐसा है कि साया हमारा हमदर्द बन चुका है, किसी को खोने के डर ने हमारी दीवानगी और अकेलेपन ने हमारी आजादी छीन ली है। जो लोग अपने अंदर की बात नहीं बोलते वो सिर्फ सुनकर अफसोस करते हैं। जहाँ किसी के होने और नहीं होने पे हमारी नींद की कुर्बानी दी जाए, वहाँ ये ना होगा तो क्या होगा। जहाँ किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती एक रस्म बन जाए और आप ये उम्मीद करें कि तमाशा ना हो तो कैसे ना हो। बुराई वो बीमारी है जिसका इलाज इंसान के मरने के बाद चालू होता है। कितनी अजीब बात है ना, हमें बुराई सहने के लिए तैयार किया जाता है, बुराई से लड़ने के लिए नहीं। गुजरने के लिए एक ज़िंदगी और गुजारने के लिए एक ज़िंदगानी चाहिए। दिन और वक्त बदलने से कुछ नहीं होगा, आपकी शाम बदलनी चाहिए। और ब्रो कैसे हो? आकाश भाई बढ़िया है। हो गया काम? ब्रदर, मैं निकलता हूं। जा रहे हो? चलो ओके ब्रो। ये कहानी हम सभी की है।